जेएनयू कैंपस में कन्हैया लाल को दी गई श्रद्धांजलि। जी हां, जेएनयू में एबीवीपी छात्र संघ द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर शांति मार्च निकाला गया। सबसे पहले एबीवीपी के छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के सामने काफी संख्या में जमा होकर हाथों पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। पहली बार जेएनयू में संस्कृति में नारेबाजी हुई, जिसमें गहलोत सरकार को इस्तीफा देने की बात कही गई। साथ ही साथ कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ बल्कि इस पूरी घटना में जो जो विभाग जिम्मेदार है सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। हम लोग आज जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक संदेश देने के लिए इस कैंपस में सभी को बताने के लिए है। इस कैंपस में ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक आतंकवाद या किसी रूप के भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस कैंपस में लेफ्ट संगठन है, वामपंथी संगठन है, टेरर को जस्टिफाई कर रहे हैं टैसिटली, ओपनली और ब्रेजनली, तीनों तरीके से। और जितने भी रंग के लेफ्ट हैं, एक साधारण इंसान की, आम इंसान की हत्या हुई है। जो दर्जी था, अपना काम करता था, कितना ही पैसा कमाते होंगे, बहुत नॉर्मल, उनके पास क्या अख्तियार था, क्या वो इतने पावरफुल थे कि किसी का इतना बड़ा कुछ कर पाए, इतना बड़ा अंजाम दे पाए किसी भी दुर्घटना को? नहीं। लेकिन फिर भी अपने सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करने के कारण, अपने व्हाट्सएप पर डालने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। दो लोग जाते हैं, एक और व्यक्ति उसमें शामिल होता है, बहुत बड़ी साजिश करके जाते हैं। तो जिस रूप से टेररिस्ट अपना काम करते हैं, रेकी करके, सारी चीज़ें करके, उसी रूप से उनकी हत्या की गई। और इस चीज़ का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। ये कट्टरपंथी जो बढ़े हैं, इसमें गहलोत सरकार की, राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। गहलोत सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है, और उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज जो हम पूरी घटना देख पा रहे हैं, वो पूरा जो एक सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम डिवाइड हो चुके हैं, वो सिर्फ गहलोत सरकार की वजह से ही है। तो ऐसी आबाविप की मांग है कि जल्द से जल्द जितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं वो लें, तो यही मांग रही है आबाविप। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कन्हैया जी के हत्या के बावजूद राजस्थान सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आज हम यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। अगर आप शर्म कीजिए, आप एक कॉमन आदमी को न्याय तक नहीं दिला पा रहे, उसकी सुरक्षा की बात तो छोड़िए, उनकी हत्या के बाद उनको न्याय नहीं दिला पाए, उनके परिवार इतनी परेशानी में, उसके बावजूद आप उनको न्याय नहीं दिला पाए, तो आप किस बात की सरकार चला रहे हैं? किस बात पे आप मुख्यमंत्री के कुर्सी को बैठ के वहाँ पे हुक्म चला रहे हैं राजस्थान में? आप जल्द से जल्द अपनी कुर्सी छोड़िए और कन्हैया जी के परिवार को पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। छात्रों का ये शांति मार्च था, जो साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन के बाद इन छात्रों ने एक कैंडल लाइट मार्च किया, जिसके बाद कन्हैया लाल की तस्वीर पर फूल अर्पित किया, वहाँ मोमबत्ती जलाई और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखा। एबीपी छात्र संघ की मांग है कि इस पूरी घटना के बाद राजस्थान सरकार पूरी तरह विफल दिख रही है। राजस्थान में एक तरह से जानबूझकर हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। एबीपी के छात्रों ने जेएनयू कैंपस में रहने वाले लेफ्ट समर्थक छात्रों के खिलाफ भी बातें कही। आरोप है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाला देने वाले लोग आज कहाँ छिपे हैं? जब एक हिंदू की मौत हुई तो उसके साथ ऐसे लोग क्यों खड़े नहीं हैं? कन्हैया की हत्या पूरे समाज के लिए बेहद चिंता का विषय है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों के अलावा आम छात्र भी इस घटना को लेकर काफी आहत है। वह लोग भी कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं।